का मुंह मतलब फट गया, ऐसा हो गया मतलब कि भाई क्या देख लिया, जन्नत में आ गए यार। और मैं वो वाटर पोल है उधर से पानी कितना खतरनाक आ रहा, देखो ये रही गंगा नदी, यहाँ से बीच देखो भाई गज्जब। ए चल चल बस 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 ने आवाज़ लगा दी है। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जय जोहार जय आदिवासी। तो भाई अभी 2 घंटे बाद अगले नेक्स्ट व्लॉग से पता चल गया होगा, 2 घंटे बाद अभी ट्रेन है हमारी मतलब 2 घंटे बाद लगभग, मतलब 3 बजे हैं। तो ओके, तब तक हम दिल्ली के इन सड़कों पे घूम रहे हैं अभी, तो ओके हम रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। और इस ट्रेन में, जिस ट्रेन पे हम इंतज़ार करते हैं उस ट्रेन में जनरल डिब्बा होता नहीं है, पर एक डिब्बा लास्ट में होता है, जिसकी वजह से उस पर बैठ के जाएंगे भावेस के साथ। तो गाइस हम सोच के बैठ गए थे कि चल जाएगा, भाई नहीं चला, टिटी आ जा भगा दिया। तो भाई वापस मैंने देख रखी थी एक ट्रेन और, जो ये न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली एक और रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, तो वहाँ पे वहाँ से मिल जाएगी समथिंग, तो वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस हमने लिया है ई रिक्शा, भाई सफर में कौन सा लिया ई रिक्शा, भाई ये देख लो भाई बस पूछ तो जाएगी। बस कितने बजे पहुँच जाएगी ये, 11 बजे राइट, तो 11 बजे ये वाली ट्रेन जो है पहुँचा देगी हरिद्वार। भाई अभी क्या सफ़र में क्या होने वाला है क्या नहीं, आई डोंट नो। मैं क्या पूछ रहा भावेश, सफ़र करने में प्रॉब्लम आती है या नहीं आती? बहुत आती है। तो गाइस और जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है भाई इधर से है, एक अलकनंदा और एक कौन सी है, हाँ ऐसा कुछ है भागीरथी या ऐसा कुछ, और यहाँ से उद्गम स्थल है गंगा नदी का, देवप्रयाग बोलते इसको। गजब भाई गजब, क्या बोले यार, व्यू देखो ये व्यू, अभी तक दिन भी नहीं निकला है और ये उत्तराखंड में घूम रहे हो, हालत देखो ये क्या हालत हो गई है इसकी और मेरी, पर यही कपड़े पहन रहे हैं हम, चेंज करने का ही टाइम नहीं मिला क्या, चेंज करने का ही टाइम नहीं मिला। गजब भाई गजब, अलग वाली बस है भाई, राजस्थान जैसी लग रही, राजस्थान जैसी बस है हमारी भाई, गिर बच जाए ओ भाई। और ऐसे ऐसे पहाड़ आए जिसकी कोई हद नहीं यार, क्या मजा आ गया यार। ये देखो ये घर कहाँ पे बना हुआ है, ओ भाई गजब यार गजब, उत्तराखंड गजब भाई, मौका मिले तो उत्तराखंड को जरूर देखो भाई, मजा आ जाएगा कसम से। और बस वाला क्या स्पीड चला था यार, जैसी नींद खुली इन पहाड़ों में, भावेश भावेश ने जब नींद खुली भावेश के अचानक देखने लग गया भाई, ओ भाई मुँह का मुँह मतलब फट गया, ऐसा हो गया मतलब कि भाई क्या देख लिया, जन्नत में आ गए यार भाई, कितने बड़े बड़े पहाड़ यार, ये कैप्चर करना था यार है? हाँ यार हमने कोशिश करी है कि हम पास आए और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, पर ये थोड़ा सा दिख रहा है ये क्या, और क्या साफ पानी है यार, ओए आगे नहीं जाते तू समझ बात को भावेश, ओए आगे नहीं जाते। तो गाइस भावेश ले आया है, जो भी होगा देखा जाएगा करके, हम भाई गंगा नदी का उद्गम स्थल ये रहा, ये नदी और ये वाली नदी दो मिलके उधर मिल रही है, और हम भाई यहाँ पे गजब भाई गजब देख लिया भाई फाइनली गाइस, ये रही गंगा नदी, यहाँ से ये दो निकल रही है, हाँ और वो पता नहीं, वो पता नहीं भागीरथी यार, आई डोंट नो। ये ब्रिज देखो भाई गजब, ए चल चल बस 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 ने आवाज़ लगा दी है। भाई केदारनाथ से कितना दूर है, 57 किलोमीटर दूर, 57 किलोमीटर 57 है। और भाई ये कुछ व्यू है इधर, ये पहाड़ी ये तो कहीं भी नहीं, आपने आगे नहीं देखा, हाँ लाइव देखना ना भाई पहाड़ जो बर्फ वाले लाइव फर्स्ट बार देखा यार,
गाइस हम पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। प्रयागराज में सोन प्रयाग कुछ भी बोल रहा हूँ। तो भाई ये हेलीकॉप्टर चले गए, किधर जा रहा दिखेगा ये जा रहा दिखा भाई। तो गाइस हम जो ये वाली बस है पीछे खड़ी है, इसी बस में आए हैं और 550 रुपये लिए हैं हरिद्वार से सोन प्रयाग। हाँ तो भाई एक जने के, दो जने के मिला के 1100 रुपये। ओके तो हम यहाँ पे आ गए, अब मज़ा आएगा आगे वाले एपिसोड में कि भाई क्या होगा, आप कैसे जाएंगे राइट। अभी हम सोन प्रयाग में, अभी हम हाँ इसको यही ख़त्म करें, अभी खाना खाएंगे भाई, नहाएंगे, कहाँ जुगाड़ करेंगे सब बताएंगे अभी। ओके तो गाइस अभी जस्ट हम बस से उतर के इधर नीचे आए हैं। तो भाई इधर तो भाई लाइन लगी हुई है, तो हमारी बस तो लाइन में थी, तो हमने सोचा भाई उतर के चल के चल लेते, ये पता नहीं कितने घंटे लगा देगी। तो भाई ये लाइन लगा, हम इधर से चल रहे हैं। इसका क्या करना पड़ेगा? और मेरे को भाई वॉशरूम आ रही है ज़ोर से, तो भाई की बात से टट्टी आ रही है। हाँ मतलब वही आ रही है, तो समझ लिया क्या बोलूँ यार। भाई आगे का ये वाला व्यू है भाई। तो गाइस मैं और भाई सीधा नहाने जा रहे हैं इसको, इस नदी में डुबा के मार दूंगा इसको, मैं ले जाऊंगा अभी नहीं। तो भाई हमने डिसाइड करा है भाई, इधर बहुत आवाज़ आ रही है, हमने इधर नहाने का प्लान बनाया है। भावेश इधर है, अब देखते हैं इधर कैसा मजा आता है। बैग इधर रख दिया है भाई, हम निकालते हैं कपड़े। ओके भी नहा लिया है ये रहा। और तो भाई हम नहा के अब जाएंगे खाना खाने, खाना खा के फिर हम निकल लेंगे केदारनाथ की तरफ। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय आदिवासी। ओके अब मजा आएगा, केदारनाथ टेम्पल पे जाएंगे। ओके।